हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल मेवाड़ा। मैं रहता हूँ अहमदाबाद में और मेरी दुकान भी अहमदाबाद में। तो आज अपन बात करते हैं एक ऐसा धंधे की जिसमें आपके 90% प्रॉफिट है। ठीक है, 90% आपके उसमें प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसा मैं धंधा दिखा रहा हूँ जिसमें 100% बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। थोड़े से पैसा लगा कर आप महीने के 2 से 2.5 लाख रुपये कमा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो एंड तक बने जरूर बने रहे। ठीक है, मेरे दोस्त ने अभी दुकान की है, महीने का 3 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो उसने अच्छा खासा पैसा लगाया, ये बात अलग है। लेकिन आपका अपन मिडिल क्लास से हो, कम बजट हो, तो मैं एक ऐसा धंधा बताने वाला हूँ जिससे आप महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। वीडियो को देख के आप निकल जाते हो, लाइक करते नहीं, तो वीडियो को पहले ही आप लाइक कर दीजिए। बहुत मोटिवेशनल आपको इसमें दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 लाख रुपए का जुगाड़ करना है, कैसे भी करके, जो आपको जो अच्छा है बेचो, कुछ भी करो, लेकिन 2 लाख रुपए का आप जुगाड़ कर दो। नहीं तो बैंक से लोन ले लो यार, कोई बात नहीं है। अपन मिडिल क्लास है, क्या करें, आगे बढ़ने के लिए पहले झुकना पड़ता है, फिर ऊपर उठते हैं। तो आप 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर दो। ठीक है, तो अपन वो अपन बिजनेस का बात करते हैं कि वो भगवान की जो आइटम नहीं रखते हैं, त्रिशूल, छोटा सा त्रिशूल, वो गर्मती, वो सब करते हैं बिजनेस की बात करें। पीतल के वो लोटे हैं, छोटी छोटी वो तस्वीरें, भोलेनाथ कृष्ण भगवान की जो छोटी छोटी मूर्तें रहती है, उस धंधे की अपन बात करते हैं। भाई इस धंधे में इतना प्रॉफिट है ना कि आप सोच नहीं सकते, इतना प्रॉफिट है आप सोच भी नहीं सकते कि इस धंधे में इतना प्रॉफिट है। जो ऐसे छोटी सी त्रिशूल रखने की आती है ना भाई, त्रिशूल खाली, वो मात्र 40 से 45 रुपए आती है, और इसके ऊपर 550 रुपए प्राइस लिखी हुई है। हाँ, 550 रुपए नीचे प्राइस लिखी हुई है। अरे भाई, भगवान की आइटम है, ज्यादा कुछ खास पैसा कम भी नहीं करवाते लोग हैं। हिंदू है अपन, अपन हमें वो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखी है, तो इतना कुछ खास पैसा कम नहीं करते। शिवलिंग होता है ना, जो शिवलिंग है, वो 25 से लगाकर 75 रुपए के आसपास में जो शिवलिंग आता है, और इसके ऊपर पैसे लिखा हुआ है 750 रुपए। मान लो जितना पैसा कमाना है, इतना पैसा भाई, इतना पैसा कौन देता है। तो क्या करना है, 2 लाख रुपए अपने पास, 50-60 हज़ार रुपये का फर्नीचर करा देने का, और 10-12 हज़ार वाली दुकान देख के, और 60-70 हज़ार रुपये आपके दुकान में और ये फर्नीचर में चला जाएगा, और 1-1.5 लाख रुपये का माल भर लो आप। 1 लाख का माल आपके, हम 1 लाख का माल भरोगे ना, वो सब माल बिक जाएगा, तो 15 लाख का हो जाएगा, इतना प्रॉफिट है आप देख लो। ठीक है, कितना प्रॉफिट है उस चीज़ में। तो अभी मैं गया था, जो भगवत गीता होती ना, वो बुक आई हमारे मात्र 35 रुपये में, और इधर हम बेचते हैं उसको 350 रुपये में। मेरे बाजू वाला दोस्त ने कि उसको 350 रुपये में बेचते हैं। और भाई अपने हिंदुओं में क्या है कि आपको पता है कि भगवान की जो भी कुछ चीज़ें लेते हैं उसमें अपन कुछ खास पैसा नहीं देखते, जो मांगते अपन दे देते हैं यार। क्या रक्षा कराना यार, है ना, भगवान में कभी कोई कराता है रख दे क्या है। तो वो एक माइंडली भी हो गया कि भाई पैसा कैसा कमाना है, आप प्रॉफिट रोगे तो उसमें कुछ खास खुशी से देखे जाएंगे आप उनको। अगर शिवलिंग लेने आया आदमी तो कुछ कम कराएगा क्या, नहीं करवाएगा ना। आप बोलोगे 550 तो भी देगा, 1000 बोलोगे तो भी दे देगा, वो कुछ खास कम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा है जिसके अंदर। तो भगवान की कुछ भी जो चीज़ें लेते हैं ना, तो उसमें कुछ चार्ज भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन साथ में आप फोटो फ्रेमिंग, फोटो का भी कर सकते हो, छोटे छोटे फोटो भी रख सकते हो, फोटो फ्रेमिंग का भी आप पास में स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन भाई इस धंधे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, जो अपने कपूर की जो पैकेट आता है ना, उसके ऊपर हम खरीदी भाव हमारे को पड़ा था शायद 40 रुपये में पड़ा था, और उसके ऊपर 480 रुपये उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है, MRP। मान लो जितना प्रॉफिट कमाना है, अरे चलो भगवान के नाम पे 5-10-20 रुपये कम करवाते, भी क्या क्या बांधा है यार। 450 में गए तो भी आपको तो 50 रुपये में पड़ा, 400 रुपये प्रॉफिट एक खाली कपूर के पीछे। ठीक है, अगरबत्ती में तो भाई इतना प्रॉफिट है, पूछो ही मत। अगर भी तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगरबत्ती भी रखोगे ना आप साथ में, तो अगरबत्ती में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है यार। 15-17 रुपये की अगरबत्ती आती है, 70-80 रुपये में जाती है, मान लो जितना प्रॉफिट कमाना है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है भाई। अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, तो 5-10-20 हज़ार 30 हज़ार उससे भाई कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं कर सकते, सारा पैसा ऐसे लगा दो, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है, तो धंधा रहो। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, खुश रहो, भगवान आपको बहुत ज्यादा खुश रहे, भगवान आपको उन्नति दे, भगवान आपका धंधा चलाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।